लैट मसल में मैं आपको बेस्ट तीन ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके मास ऐड करेंगी आपके लोअर लैट्स में। देखो विड्थ प्लस थिकनेस, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं लैट्स में। सो थिकनेस के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी, इस एक्सरसाइज का नाम है सिंगल आर्म पुल डाउन। देखो इस एक्सरसाइज को आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। देखो हमारी जो मसल्स हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इंट्रा मस्कुलर फोर्स प्रोडक्शन एंड लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। देखो आपके मसल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मिड और लेंथन्ड रेंजेस में, शॉर्टन्ड पोजीशंस में मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं क्योंकि उसका रेंज ऑफ मोशन शॉर्ट होता है, छोटा होता है। सो एंड दूसरा जो मेन पॉइंट है कि जब हम ओवरहेड लैट पुलडाउन लगाते हैं तो हम उसको प्रॉपरली पूरा नीचे तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ओवरहेड पोजीशन होने की वजह से वो थोड़ी सी फ्लेक्शन कम पड़ जाती है, 20 से 30 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। सो इसलिए सिंगल आर्म पुल डाउन से आप प्रॉपरली पूरा नीचे तक स्क्वीज कर सकते हैं एंड पूरा ऊपर तक जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इस एक्सरसाइज को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, ये हर एक के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके लैट्स में इम्बैलेंस भी है तब भी इस एक्सरसाइज से आपका लैट का इम्बैलेंस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। इसके आप 5 सेट लगा सकते हैं फॉर 15 रेपिटेशन ऑन ईच साइड। देखो लैट पुल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लोअर बैक की थिकनेस के लिए बहुत अच्छी है, प्लस ये आपकी लोअर बैक को इंजरी फ्री रखती है। इसमें आपने क्या करना है, जो लोग ये डेडलिफ्ट की अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब डेडलिफ्ट की जगह आप ये लैट पुल लगा सकते हैं। देखो शोल्डर्स आर बॉर्न फ्रॉम द बैक, सो इसमें क्या है, अगर आप अपने बैक लैट पुल लगाते हैं तो आपकी बैक की थिकनेस अलग लेवल पे होती है, जो क्रिसमस ट्री हम चाहते हैं ना वो लैट पुल से जरूर आता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो चेस्ट पोस्टर में ये होता है कि आपकी बैक लिमिटेड हो रही है, आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता है। इसमें आपका पैड के साथ आपकी चेस्ट करके आप प्रॉपर स्क्वीज कर सकते हैं। और हाँ, सुपरनेटेड भी और प्रोनेटेड ही लगाने, न्यूट्रल की रखें। जब आप न्यूट्रल की से लगाएंगे तो आपका फोर्स जनरेशन जारी होगी। तो आप स्टार्ट करते हैं, कम से कम 12 रेपिटेशन आपने खींचने हैं इसके। आप स्टार्ट करते हैं स्लो एंड कंट्रोल्ड।